रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के बाल स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय 27वां जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का समापन धूमधाम से हुआ। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में जंद्रू स्कूल के विशाल का प्लास्टिक मुक्ति धाम मॉडल सर्वश्रेष्ठ और स्टेट के लिए चुना गया और विजेता छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। बाल विज्ञान सम्मेलन में 92 स्कूलों के करीब 420 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया। हमीरपुर के बाल स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय 27वें जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का समापन धूमधाम से हुआ। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में जंदड़ू स्कूल के विशाल का प्लास्टिक मुक्ति धाम मॉडल सर्वश्रेष्ठ और स्टेट के लिए चुना गया है और विजेता छात्रों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। बाल विज्ञान सम्मेलन में 92 स्कूल के करीब 420 बाल विज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। नरेंद्र ठाकुर ने बाल विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बाल विज्ञान सम्मेलन के समापन अवसर पर कहा कि आज का युग साइंस का युग है और आज के युग का खाना भी साइंटिफिक है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत साइंस के माध्यम से काफी आगे है। जो पहली 5 टॉप कंट्री है उनमें हमारा स्थान है, इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। उन्होंने कहा कि जो आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वे बहुत ही मेहनती हैं और आने वाला भविष्य इन नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठाकुर ने बाल विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने वाले बच्चों को बधाई दी। और जो कुछ भी जो हम करते हैं, इवन खाना भी हमारा जो है वो साइंटिफिक है। ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, आजकल युद्ध हमारा गुजारा नहीं है। और भारतवर्ष का अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में साइंस के मामले हम बड़ी आगे हैं। हम लगभग पहले 5 जो हमारे टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं उनमें हमारा स्थान है और इसका श्रेय हमारे विद्यार्थियों को जाता है। वहां बच्चों छोटे छोटे नन्हे नन्हे है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं और हमारा आने वाला भविष्य जो है भारतवर्ष का आपके हाथों बहुत सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चों बहुत टैलेंट है आपके बच्चों में। जहां तक इस कार्यक्रम की आयोजन की बात है, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने इनाम दिया, जो बच्चे प्रथम आए, मैं बच्चों को बधाई देना चाहूंगा। और जो बच्चे किसी का रह गए हैं, मुझे पूरा आशा है कि वो और मेहनत करेंगे, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। और जब दोबारा कॉम्पिटिशन होगा तो वो जरूर वो बच्चे भी इनाम प्राप्त करेंगे, फर्स्ट आएंगे। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबाल ने कहा कि जिन बच्चों ने इस सम्मेलन में भाग लिया उनको सम्मानित किया जाएगा और जो बच्चे इस सम्मेलन में चुने जाएंगे वो स्टेट लेवल में 13 से 16 नवंबर तक बिलासपुर में भाग लेंगे। 5 टीमें स्टेट लेवल के लिए चुनी गई हैं। इन 5 टीमों ने जो मेहनत की है इसका श्रेय मैं अध्यापकों और बच्चों को देना चाहता हूँ। विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबाल ने प्लास्टिक मुक्ति धाम मॉडल की भी काफी सराहना की। बच्चों को सम्मानित करेंगे तो इस बार के हम स्मेल से जो 54 हमारे जो इंडियन एक्टिविटीज में बच्चे चुने जाएंगे स्टेट लेवल पर 13 से लेकर 16 नवंबर तक क्लासरूम में भाग ले रहे हैं। हमारे जो बेस्ट जो 5 टीमें हैं साइंस की उसमें जा रही हैं और 16 जो हैं बेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स वो स्टेट के लिए जा रही हैं और एक बेस्ट किट जो है वो स्टेट के लिए जा रहा है। इसके अलावा एक्टिविटीज कॉर्नर्स में हमारे 15 बच्चे जा रहे हैं और 3 बच्चे हमारे स्टेट का करेंगे हिमाचल जिला हमीरपुर का। और इस कार्यक्रम के बहुत अच्छा सफल हुआ इसका मैं श्रेय अपना जन्म और बच्चों को देता हूँ। बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ बच्चों को उन्होंने प्यार किया था और टीचर्स ने किस कदर से बच्चों को विज्ञान के प्रति उनको सचेत किया था और बड़े ही लगन के साथ उनको विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी गई थी। उसके माध्यम से देखा गया कि बच्चों का जो प्रदर्शन था बहुत ही उत्कृष्ट रहा, चाहे वो साइंस क्विज हो, चाहे वो एक्टिविटी कॉर्नर्स हो, चाहे वो साइंटिफिक जो इनोवेटिव हमारे साइंस के मॉडल्स थे, बहुत बढ़िया मॉडल उन्होंने बनाए थे। तो बच्चों के मॉडल हमने सेलेक्ट किए थे उनमें एक ऐसा मॉडल था कि जहाँ हम
इसके बाद जब आदमी की मृत्यु होती है उसके लिए हम शमशान घाट ले जाते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को बदल कर प्लास्टिक की कैसे शमशान घाट ले जाना है, प्लास्टिक का कैसे निष्पादन हो, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया मॉडल बनाया था। इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष रमेश शर्मा, पूर्व मंडलाध्यक्ष बलदेव दीवान, मंजू ठाकुर, अरुण सहित सभी स्कूलों के अध्यापक तथा छात्र उपस्थित रहे।